दोस्तों नमस्कार। तो चलिए मैं आज आपको दिखाता हूँ बैंगन का भरता हम लोग बनाने वाले हैं। तो एक्चुअली हमारे यहाँ पे बैंगन का भरता जो गांव में बनाते हैं, तो गांव में तो क्या करते हैं कि जो आग जलती रहती है तो सीधे आग में डाल देते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास गाँव तो नहीं है तो यहाँ पे आग नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, गैस के स्टोव में हमने बर्नर रखा हुआ है और बर्नर में ही आप देखो इसमें हमने ये लगा दिया है और ये बैंगन है। इसमें अच्छी तरह से देखो ये भुन जाएगा एक एक करके, और जब भुन जाएगा तो इसको हम निकालेंगे और फिर सारी चीजें इसमें प्रोसेस करेंगे। एक्चुअली हम बैगन को फ्राई करके बनाने वाले हैं और साधना जी बना रही हैं ये सब सारा सिस्टम। और देखो हमने यहाँ पे लहसुन भी रखा हुआ है और लहसुन भी हमने अभी भूनना शुरू कर दिया। लहसुन भी भून रहे हैं और लहसुन भून जाने के बाद में अच्छे से इसको भी निकाल के कढ़ाई में फिर हम इसको फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के लिए हम जो जो सामग्री यूज करने वाले हैं, एक तो हम लहसुन डालेंगे, प्याज डालेंगे और टमाटर डालेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बस प्याज लहसुन टमाटर भी कट ही रहा है और दिखाता हूँ आपको कि फ्राई करने के बाद में कैसा बैगन बनने वाला है। तो देखिए ये रेडी हो गया हमारा। ये मटर, ये डालेंगे टमाटर, इतनी सी प्याज और ये है हमारी कड़ी पत्ता, ये लहसुन जो हमने अभी भूज लिए थे और ये है अदरक, अदरक भी डालेंगे। और बैगन जो हमने अभी भूंजा था देखो ये गरम गरम अभी ये रेडी हुआ है, हमने बस बना के रखा है। अब सारी चीजें इसमें फ्राई करेंगे। चलो दिखाते हैं आपको फ्राई कैसे हो रहा है। चढ़ा दी हमने कढ़ाई और कढ़ाई में अब जाएगा तेल, ये सरसों का तेल है। सरसों के तेल में ही बढ़िया इसमें फ्लेवर आता है और बनता है। और इसमें अब देखिए मसाले डालेंगे। अब इसमें गई देखो ये राई, अब इसमें देखो जाएगी हींग, ये गई इसमें हींग, अब इसमें जाएगी अदरक, लहसुन को देखो कूटा जा रहा है, कूट के डालेंगे। ये देखो कूट दिया गया लहसुन को, अब इसमें जाएगी लहसुन। साधना जी ने कूट कूट के डाल दी है, कूट दिया लहसुन को और इसको थोड़ी अभी चला देंगे। और इसमें अब जाएगा कड़ी पत्ता, यदि तो आपके पास कड़ी पत्ता है तो डाल सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। और अब इसमें देखो जाएगा ये मिर्च, हरी मिर्च और ये प्याज कटी हुई जो हमने पहले दिखाई थी आपको, इसको थोड़ी और चलाएंगे अभी अच्छे से। अब इसमें देखो प्याज हल्का सा ब्राउनिश जैसे हो जाएगी तो हम और भी इसमें अभी ऐड करेंगे। अब इसमें जाएगा देखो मटर, ये मटर चला गया ऐड हो गया। अब इसको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए, इसको ढक के थोड़ी पकाएंगे इसको। मटर को देखो ना ढक के पकाने के एक और रीजन है, क्योंकि मटर ना उचट उचट के आंखों में पड़ता है, इसलिए इसको ढक के पकाएं तो ज्यादा सही रहता है। अब इसमें हल्दी जाएगी कलर के हिसाब से, जितना आपको इसमें रखना है उतना हल्दी डालो, ना कम ना ज़्यादा, जिससे कलर अच्छा आए। और इसमें अब जाएगा नमक, नमक आपको डालना है हमेशा स्वादानुसार, जितना आपको खाना हो उसके हिसाब से आप नमक डालो। और ये अब इसमें जाएगा देखो टमाटर, ये जो हमने काट के रखा है टमाटर वो डाल दिया। लाल मिर्च यदि आप डालना चाहो तो लाल मिर्च भी डाल सकते हो स्वादानुसार अपने, यदि आपको लगता है कि डालना चाहिए तो डालो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसको थोड़ी देर और पकने देंगे और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे बैगन जो हमने भरता बनाया था, जिसका अभी जो हमने भून के रखा था इसको ऐड करेंगे अभी। और फिर इसके बाद डालेंगे इसमें धनिया पत्ती। तो अभी देखो ये पक रहा है टमाटर वगैरह मसाला वगैरह, बस थोड़ी सी और पक जाए उसके बाद में हम इसमें बैगन ऐड करते हैं जो हमने भून के रखा हुआ है। ये हो गया रेडी देखो, और इसमें गया बैगन, ये जो हमने भून के रखा हुआ था बैगन, और ये गया। अभी इसको साधना जी कितनी देर पकाना है, थोड़ी थोड़ी देर, थोड़ी मतलब कितना, 2 मिनट, 3 मिनट, 3-4 मिनट। तो अभी साधना जी कह रही हैं कि इसको 3-4 मिनट पकाना है, तो इसको अब देखो ऐसे पकने देंगे हम 3-4 मिनट के लिए। और आप बाकी टेस्ट तो इसका देख के ही आपको पता लगा सकते हो आप कितना टेस्टी होगा, ये दिखने से ही पता चल रहा है कि ये जो हमारा भरता बनने वाला है बहुत ही लाजवाब और टेस्टी स्टैंडर्ड लेवल का बनने वाला है। तो आप भी ऐसा भरता अपने घर में बना के और खा सकते हो, यदि आपके घर में आग वाग का सिस्टम नहीं है तो ऐसे पूरा सिस्टम बना के
और घर में आप खा सकते हो। लाजवाब आपका बैगन का भरता बनने वाला है। अभी देखिए इसमें थोड़ी देर बाद में धनिया और ऐड करेंगे। धनिया डालने के बाद देखिएगा कैसा दिखता है। इसमें नमक अभी थोड़ी सी और जा रहा है, ये नमक स्वादानुसार ही रहेगा हमेशा जैसे मैंने बताया था। तो साथियों देखो बैगन का भरता हमारा हो गया रेडी। अब इसमें हम जस्ट ऐड करने वाले हैं धनिया पत्ती। और धनिया पत्ती ऐड करते ही आप इसका लुक देखो, एकदम से बेहतरीन लुक इसमें आ चुका है। अब ये बन चुका है परफेक्ट बैगन का भरता। आप इसको रोटी के साथ खा सकते हो और आप इसको पराठे के साथ भी खा सकते हो। आप जिस तरीके से खाना चाहो इसको खा सकते हो और आनंद लुप्त उठा सकते हो। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, आप हमारे नए व्यूअर हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के बताइए आज का हमारा ब्लॉग बैगन का भरता बनाने की जो विधि थी आपको कैसी लगी। और शहरों में इसी तरीके से हम बैगन का भरता बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं, तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। अभी साधना जी है नहीं, साधना जी से मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।